क्या हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू का इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है, जेडीयू पार्ट है, पूरी सियासत पर जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले थे। मुलाकात 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालजी की बेटी ने। तो ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था, वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता छोड़ने का, राज्य हित में कुछ भी फैसला लेंगे। अब एक मिनट रुक जाओ, सर अभी आप जो बिहार से लौट के आ रहे हैं, जितना घटनाक्रम चल रहा है सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत मिला है, लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है, हमला लालू जी की बेटी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आँच? कोई आँच नहीं, आँच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में आज नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि राज्य के हित में कोई फैसला लेंगे सर, आएंगे सर। हित राजहित हमारे लिए सर्वोपरि। चलो भाई, तो जेडीयू अभी भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग मान ली जाए तो आएंगे सर? ये कोई शर्त नहीं होती है राजनीति में, ये हमारा अधिकार है। ठीक है सर, थैंक यू।